जब मेरे पति ऑफिस जाते तो रोज जाने से पहले मुझे एक लाल रंग की साड़ी देकर कहते, आज शाम को मेरे ऑफिस से आने से पहले इसे पहन लेना और अच्छे से तैयार होकर बैठना। आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। मैं साड़ी ले लेती और शाम को तैयार होने लगती तो मेरे घर का नौकर मुझसे कहता, दीदी भगवान के वास्ते ये साड़ी मत पहनो वरना आज गजब हो जाएगा। आप नहीं जानती हैं रात को आपके साथ यहाँ क्या खेल खेला जाता है। आज आप ये साड़ी मुझे दे दीजिए, आज ये साड़ी पहनकर आपकी जगह पर मैं बैठूंगा और आप छुपकर सब कुछ देख लेना, फिर आपको मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा और आप सब कुछ समझ जाएंगी। लेकिन मुझे अपने नौकर की सारी बातें झूठी लगती थी क्योंकि मुझे साड़ी पहनने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन आज उसने मुझसे बहुत ज्यादा जिद की और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा तो मैंने उसे अपनी साड़ी दे दी। उसने मेरी वह साड़ी पहन ली और औरतों की तरह तैयार होकर वह मेरे कमरे में बैठ गया। रात को जब मेहमान आए तो मेरे पति एक एक करके उन्हें मेरे कमरे में ले जाते, मगर कुछ समय बाद ये देख मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई जब उन मेहमानों ने मेरे नौकर के साथ, शाम के 5 बज रहे थे जब मैं सोकर उठी तो मेरे घर में हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई से कह रही थी कि जल्दी मार्केट जाओ और अच्छा सा नाश्ता लेकर आओ, देखना कोई चीज बाकी न रह जाए। जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो मुझे पता चला कि हमारे घर पर रिश्ते के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। फिर माँ ने मुझसे कहा कि एक अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो जाओ। मैं अपनी माँ को देखने लगी लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने एक नया सूट निकाल कर पहन लिया और हल्का सा मेकअप कर लिया। थोड़ी देर बाद मेहमान हमारे घर पर आ गए। मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद भी उन्हीं के साथ बैठ गई। मेरी माँ ने मुझे चाय बनाने के लिए किचन में भेज दिया और खुद उनके पास आकर बातें करने लगी। घबराहट की वजह से मेरे तो हाथ पैर फूल रहे थे, पर फिर भी मैंने जैसे तैसे करके चाय बना ली। और जब मेरी माँ ने इशारा किया तो मैं चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के सामने आकर बैठ गई। उनमें से एक औरत मुझे गौर से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मुझे उसी समय अंदाजा हो गया था कि मैं इन्हें पसंद आ चुकी हूँ। बाकी लोगों को भी मैं और मेरे परिवार वाले पसंद आ गए थे। अगले दिन उन्होंने हमारे घर पर फोन करके बता दिया कि हमारी तरफ से हाँ है। माँ ने भगवान का शुक्रिया किया और भगवान का नाम लेकर मेरी सगाई स्वरूप से करा दी और 2 महीने बाद की शादी की तारीख भी तय हो गई थी। शादी से पहले मिलने की इजाजत नहीं थी, इसलिए इन 2 महीनों में स्वरूप और मैं थोड़ी बहुत फोन पर बात कर लेते थे। स्वरूप ने कई बार मुझसे मेरी फोटो मांगी थी लेकिन मैं उन्हें मना कर देती थी। आखिरकार हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वह दिन आ गया जब मैं स्वरूप की दुल्हन बनकर उसके घर पर आ गई। अपने पति के बारे में जो सपने मैंने देखे थे वह सभी सच हो गए थे। मेरा घूंघट उठाते ही स्वरूप ने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगे कि तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था उसी समय सोच लिया था कि अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे ही। तुम मुझे सारी लड़कियों से अलग लगी थी। मैं तुम्हारा जिंदगी भर बहुत ख्याल रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हमेशा इतनी ही खूबसूरत दिखती रहो। घर के कामों के लिए यहाँ बहुत सारे नौकर हैं, तुम्हें यहाँ पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे खुश रखना और मेरे लिए हमेशा सज सवर कर रहना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उनकी यह बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब तो मैं भी उनकी दीवानी हो गई थी। उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए जो उन्होंने शादी की रात मुझे किए थे।
स्वरूप जब भी ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए गिफ्ट जरूर लेकर आते थे। उनकी मोहब्बत में मैं सब कुछ भूल गई थी। अब मैं पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। स्वरूप की मोहब्बत से मेरा रूप दिन ब दिन निखरने लगा था। जब मैं अपने मायके जाती तो मेरी सहेलियां और मेरे पड़ोसी मुझे कहते कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, तुम्हें इतना मोहब्बत करने वाला पति जो मिला है। स्वरूप के प्यार में दिन ऐसे गुजरने लगे कि मेरी शादी को 4 महीने कब हो गए पता ही नहीं चला। एक दिन स्वरूप ने मुझसे कहा कि उन्हें किसी काम से दूसरे शहर जाना है। वो मुझे सुबह मायके छोड़कर चले जाएंगे और 20 दिन के बाद वो मुझे वापस लेने आ जाएंगे। उनके ऑफिस की कोई मीटिंग थी, इसलिए उनका जाना बहुत जरूरी था। मैंने भी कहा ठीक है। स्वरूप ने मुझे शाम के टाइम मेरे मायके छोड़ दिया और खुद एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। इसके बाद तो मेरी जिंदगी में जैसे तूफान सा आ गया। 20 दिन के बाद स्वरूप मुझे मायके से घर तो ले गए, लेकिन वो मुझे बहुत बदले बदले लग रहे थे। अब वो मुझसे बात भी बहुत कम करने लगे थे। उनकी आंखों में मुझे पहले वाली मोहब्बत नहीं दिखती थी। अब मुझे उनके साथ अजनबी सा फील होता था और उनका ज्यादा समय ऑफिस में ही गुजरता था। जब मैं उनसे इस बात की शिकायत करती तो वो मुझसे अपने बिजनेस का बहाना कर देते थे और कहने लगते थे कि मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होता है। कभी कभी तो कहते थे कि घर में हर चीज हाजिर है, फिर तुम्हें किस चीज की जरूरत है। मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं उनसे कहती थी कि मुझे चीजों की नहीं आपकी जरूरत है, मगर शायद अब स्वरूप के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। मैं घर पर पूरा दिन अकेली बोर होती रहती थी, इसीलिए मैंने घर के नौकरों को छुट्टी दे दी। मैंने सोचा कि मैं घर का सारा काम अब खुद ही करूंगी, तो हो सकता है इसी से मेरा समय गुजर जाए और मुझे स्वरूप के इंतजार की तकलीफ भी नहीं सहनी पड़ेगी। लेकिन यह मेरी गलत सोच थी, क्योंकि मुझे घर का काम छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया था। मैंने जब फिर से घर का कामकाज शुरू किया तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई, मुझसे घर के काम हो नहीं पा रहे थे। मैंने परेशान होकर स्वरूप से कहा कि आप घर के कामकाज के लिए दोबारा कोई नौकरानी का इंतजाम कर दीजिए, क्योंकि मुझसे अब इतना सारा काम नहीं होता। लेकिन स्वरूप कहने लगे कि अब हमें नौकर की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी घर में हम दो लोग ही तो हैं और दो लोगों का खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वरूप का ये जवाब सुनकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो तो मुझसे हमेशा सजने सवरने की बात करते थे और मुझसे कहते थे कि तुम्हें किसी भी काम को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और आज वही इंसान मुझे घर के काम करने की सलाह दे रहा था। ये सब सुनकर मेरा दिल टूट गया था, लेकिन मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। अगले दिन स्वरूप ऑफिस से घर वापस आए तो वो मुझे बहुत खुश लग रहे थे। जब मैंने उनसे वजह पूछी तो कहने लगे कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, लेकिन वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फिलहाल तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आज ये इतने खुश है। लेकिन मैं उनकी आदत को अच्छे से जानती थी। जब वो कोई बात बताने से मना कर दिया करते थे तो फिर वो बताते ही नहीं थे। मैं भी चुप हो गई और अगले दिन का इंतजार करने लगी। अगले दिन शाम के समय मैं उनका इंतजार कर रही थी, तब दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने गाड़ी खड़ी थी। स्वरूप गाड़ी में बैठे हुए थे, उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। मेरे दरवाजा खोलने पर वो अंदर आने के बजाय मुझे शॉपिंग बैग देकर बोले कि तुम जल्दी से ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ और इसके साथ जो मैचिंग ज्वेलरी लाया हूँ वो पहनना मत भूलना, मैं तुम्हें पार्टी में लेकर जा रहा हूँ। जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना,
मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैंने उनसे वह बैग्स लिए और अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। मैं खुशी खुशी स्वरूप के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। लाल रंग की साड़ी और गोल्डन ज्वेलरी में मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मुझे खुद को देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं ही हूँ। बार बार मैं अपने आप को शीशे में देख रही थी। अभी तो मैं पूरी तैयार भी नहीं हुई थी कि फिर से दरवाजे पर बेल बजी। मैं समझ गई थी कि दरवाजे पर स्वरूप ही होंगे और वो मेरा इंतजार नहीं कर सके, इसीलिए मुझे पहले ही लेने आ गए। मैंने जल्दी से अपने बाल खोले और घर को लॉक करके स्वरूप के साथ गाड़ी में बैठ गई। आज स्वरूप भी बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। स्वरूप आज बहुत अच्छे मूड में थे और मुझसे काफी हंसी मजाक भी कर रहे थे। गाड़ी ड्राइव करते वक्त वो मुझे समझाने लगे कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होंगे और मुझे वहाँ पर सब लोगों से हंसी खुशी मिलना है। और फिर वो कहने लगे कि अगर इंसान अपने बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है तो वो बहुत सारे फायदे उठा सकता है। उनकी ये बातें मेरे समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी को एक बड़े से होटल के सामने पार्क कर दिया। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा ऐसे खोला जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। वो मेरा हाथ पकड़कर होटल के अंदर चले गए। उनका अंदाज आज मुझे बहुत बदला सा लग रहा था, क्योंकि शादी के बाद मैंने उन्हें पहली बार ऐसे अंदाज में देखा था। हम उस होटल के अंदर गए तो एक बहुत बड़े हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और हर तरफ लाइट जल रही थी। होटल में बहुत सारे ऑफिसर और उनकी पत्नियां इनवाइट थी। यह एक बहुत बड़ी पार्टी थी और यहां आकर मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था। थोड़ी ही देर में मुझे ये महसूस हुआ कि सबकी नजरें मुझ पर आकर रुक जाती थी। वैसे तो मैं पहले से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन आज मैं ऐसे तैयार हुई थी जैसे किसी नई नवेली दुल्हन को तैयार किया जाता है। स्वरूप ने भी बहुत ज्यादा प्राउड से मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया। उसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया और वहाँ हल्का हल्का म्यूजिक भी बज रहा था, तो सब कपल्स डांस भी कर रहे थे। यह माहौल मेरे लिए बहुत ही अजीब सा था। जिंदगी में पहली बार मैंने इतने सारे लोगों के सामने बैठकर खाना खाया था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन मैं स्वरूप का साथ दे रही थी क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारे पास वाली टेबल पर जो आदमी बैठा था वह बार बार मुझे देख रहा था। उसका देखना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे उसके देखने में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपने टेबल से उठकर हमारे साथ ही हमारी टेबल पर आकर बैठ गया। बात करते करते पता चला कि वो मेरे पति का सीनियर ऑफिसर था, लेकिन उसे देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह सीनियर है। स्वरूप ने मुझे उससे मिलवाया तो उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया। ना चाहते हुए भी मुझे सबके सामने उसे हाथ मिलाना पड़ा। हाथ मिलाते वक्त उसने मेरा हाथ अपने हाथ से हल्के से दबा दिया। उसकी ये हरकत मुझे बहुत ही बुरी लगी थी। स्वरूप ने भी यह बात नोटिस की थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और चुप रहे। मुझे अपने पति से ये उम्मीद नहीं थी। उनकी इस बात पर मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि वो ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। आखिर मैं उनकी पत्नी थी। स्वरूप ने मुझे उनसे मिलवाते हुए बताया कि यह मिस्टर शर्मा है। अगर यह चाहे तो मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन मिल सकता है। मिस्टर शर्मा की बातचीत जारी रही। वो बहुत ज्यादा दिलचस्प बातें कर रहे थे, लेकिन वह बार बार मुझे ही देखे जा रहे थे। जब पार्टी खत्म हुई तो मिस्टर शर्मा मेरे पति से हंस हंस कर बातें करने लगे और वो हमारे साथ साथ ही चलते हुए होटल से बाहर आ गए। मुझे उनका हमारे साथ में चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
शुक्र है कि अब हम पार्टी से अपने घर वापस आ गए थे। स्वरूप ने घर आकर मेरा शुक्रिया अदा किया क्योंकि पार्टी में मैंने उनका पूरा साथ दिया था। इसी खुशी में स्वरूप ने मुझसे वादा किया कि वह जल्दी ही घर में किसी नौकरानी का इंतजाम कर देंगे। बस अब मुझे उनके साथ ऐसे ही पार्टियों में जाना होगा और उनके बड़े बड़े ऑफिसर से मेल जोल बढ़ाना होगा। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो 11 बज चुके थे। थकावट के मारे मेरी नींद ही नहीं खुली थी। स्वरूप खुद ही नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गए थे। अभी तो मैं फ्रेश हो रही थी कि दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। ये समय तो स्वरूप का ऑफिस टाइम था और वह इस समय कभी घर पर आते भी नहीं थे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कौन होगा, और जब मैंने दरवाजा खोला तो स्वरूप मेरे सामने खड़े थे। उनके इस समय घर पर आने पर मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई थी। उनके साथ में मैंने एक लड़के को खड़ा हुआ देखा। लड़के की उम्र कुछ 16-17 साल की ही होगी और उसका रंग गोरा था। स्वरूप ने मुझे उस लड़के से मिलवाया और मुझसे कहने लगे कि ये भोला है, बहुत ही जिम्मेदार और शरीफ बच्चा है और ये हर काम करना जानता है। इसने कुछ समय होटल में भी काम किया है और यह घर के सारे कामों से लेकर गाड़ी चलाना भी जानता है। स्वरूप ने उसकी तरफ इशारा करते हुए उसका कंधा थपथपाया तो उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। मुझे उसका ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। स्वरूप ने मुझे बताया कि यह बहुत ही गरीब घर से है। आज सुबह तुम सो रही थी तो मैं घर से नाश्ता किए बगैर ही चला गया था। मैंने सोचा कि मैं किसी ढाबे पर ही नाश्ता कर लूंगा। वहीं मेरी मुलाकात भोला से हुई और उसने मुझे बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर खिलाया। मैं इसे ज्यादा तनख्वाह देने की बात करके अपने साथ में लेकर आ गया। ये तुम्हारी हर काम में मदद करेगा और छोटे भाई की तरह तुम्हारा ख्याल रखेगा, है ना भोला? उन्होंने भोला की तरफ देखा तो उसने जी हां में सर हिला दिया। मुझे भी अब सुकून मिला कि नौकरों की फौज से जान छूटी। अच्छा है, एक ही नौकर घर के सारे काम कर लेगा, मुझे भी आसानी होगी और ज्यादा दिमाग खपाना नहीं पड़ेगा। भोला के आने से सच में मुझे बहुत आराम मिल गया था। वो सारे काम औरतों से भी ज्यादा अच्छे से करता था और कोई फालतू बात भी नहीं करता था। अब मुझे बहुत ज्यादा राहत हो गई थी। भोला से मुझे हमदर्दी सी हो गई थी। अब वो मुझे मेरे छोटे भाई की तरह ही लगता था। वो मुझे जब भी दीदी कहता तो मुझे एहसास होता कि इसके दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो भोला अपने कमरे में नहीं था। मुझे फिक्र होने लगी कि पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने बाहर जाकर देखा तो वो लॉन में बैठा रो रहा था। मैं उसके आंसू देखकर समझ गई कि जरूर उसके घर में कोई परेशानी होगी, वरना वो इस तरीके से नहीं रोता। वो तो हमेशा हंसता रहने वाला लड़का था। फिर मैं जब भोला के पास गई और उसने मुझे देखा तो वो अपने आंसू मुझसे छुपाने लगा। शायद वो मुझे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहता था। मैंने उससे काफी पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि शायद इसके घर में पैसों की परेशानी होगी, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए लेकिन उसने वो पैसे लेने से मना कर दिया। इतने में स्वरूप का फोन आ गया और वो कह रहे थे कि आज हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं तो तुम भोला से खाना बनवा लेना और खुद वही लाल वाली साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। अगर तुम मेरे मेहमानों का ध्यान रखोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। उनके मेहमानों के बारे में सुनकर तो मुझे घबराहट होने लगी। मिस्टर शर्मा को बर्दाश्त करना तो मेरे बस के बाहर की बात थी। उस दिन भी उनकी गंदी नजर मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी, लेकिन मैं मजबूरी और स्वरूप के कहने पर तैयार हो गई। तकरीबन रात के 7 बजे स्वरूप अपने मेहमानों को लेकर घर आ गए और वही हुआ जिसका मुझे डर था।
स्वरूप के साथ आने वाला मेहमान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर शर्मा ही थे, जिनको देखकर ही मेरा मूड खराब हो गया था। मेरा दिल तो नहीं चाहता था कि मैं उनसे बातचीत करूं, मगर मजबूरन मुझे उनसे बात करनी पड़ी। मैं और मेरे पति मिस्टर शर्मा के साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। आज भी मिस्टर शर्मा बहुत ही अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद स्वरूप के मोबाइल पर किसी का फोन आया और वो फोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में मैं और मिस्टर शर्मा अकेले रह गए थे। मिस्टर शर्मा मुझसे खुलकर बातें करने लगे तो मुझे उनका यह अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि मेरा जवाब देने का दिल नहीं कर रहा था। मुझे मिस्टर शर्मा के साथ बैठना बहुत ही अजीब लग रहा था। 10 मिनट होने के बाद भी जब स्वरूप कमरे में वापस नहीं आई तो मैं उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। इससे पहले मैं उठकर खड़ी होती, मिस्टर शर्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं उनके गाल पर कसकर थप्पड़ लगाऊं, लेकिन मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया और उनसे कहने लगी कि मिस्टर खन्ना, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति के दोस्त हैं और उनके सीनियर ऑफिसर हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। अगर अभी भी आपने बदतमीजी बंद नहीं की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन उन पर मेरी इस बात का कोई भी फर्क ही नहीं पड़ा। वो अभी भी मुझे घूर रहे थे। जब मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो वह मेरे और करीब आने लगे। गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया और मैंने टेबल से फ्लावर पॉट उठाया और उनके सिर पर मार दिया। उनके सिर से खून बहने लगा तो वो चिल्ला उठे। उनकी चीख सुनकर मेरे पति कमरे में आ गए। मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था, बजाय इसके कि वह अपने दोस्त मिस्टर शर्मा को कुछ कहते, उन्होंने उल्टा मुझे डांटना शुरू कर दिया और कहने लगे कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये तुमने क्या कर दिया, अभी और इसी समय उनसे माफी मांगो। मैंने उनसे माफी नहीं मांगी और उनके मुंह पर थूकते हुए मैंने अपने पति से कहा कि आपके ये मिस्टर शर्मा अगर देश के राजा भी होते तो भी मैं उनसे माफी नहीं मांगती, उल्टा इन्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए जो गंदी हरकत इन्होंने मेरे साथ की है। मेरी बात सुनकर स्वरूप ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्से में देखा और मुझसे कहने लगे, अगर तुमने मिस्टर शर्मा से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। अपने पति की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। क्या कोई भी शरीफ इंसान अपने दोस्त की खातिर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है? मैं भी जिद पर अड़ गई, क्योंकि मिस्टर शर्मा की हरकत ही ऐसी थी कि उनसे माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे खामोश खड़ा देखकर स्वरूप ने गिनती शुरू कर दी। वो ऐसा सोच रहे थे कि अगर वो मुझे छोड़ने की धमकी देंगे तो मैं मिस्टर शर्मा से माफी मांग लूंगी, लेकिन मैं भी अपनी बात पर डटी रही और मैंने उनसे माफी नहीं मांगी। उसके बाद स्वरूप ने मुझसे कहा कि अब तुम डिवोर्स पेपर का इंतजार करना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि स्वरूप तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, वो भी अपने इस घटिया दोस्त के खातिर। मिस्टर शर्मा ये सब कुछ देख कर मुस्कुरा रहे थे और फिर बड़बड़ाते हुए हमारे घर से चले गए। मेरे पति भी उनके पीछे पीछे गए और मेरे बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगने लगे। थोड़ी देर बाद जब स्वरूप घर में वापस आए तो उनका मूड ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया और उसी समय घर से निकलने लगी तो स्वरूप ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने दरवाजा खटखटाया मगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद वो अंदर आए और मुझसे कहने लगे कि क्या हुआ अगर गुस्से में मैंने तुम्हें कुछ कह दिया।
क्या हमारी बरसों की मोहब्बत मेरी छोटी सी बात पर खत्म हो जाएगी? अब ज्यादा हंगामा मत करो और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। और खबरदार, जो तुमने घर से निकलने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वैसे भी दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है, तुम्हें बाहर जाने की अब इजाजत भी नहीं है। जब तक मैं ना कहूँ तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती। तुम्हें हर हाल में मेरे बॉस को खुश करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पति का ऐसा रूप देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। स्वरूप इस हद तक गिर सकते थे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस सारे हंगामे की खबर भोला को भी हो चुकी थी, क्योंकि कमरे में पड़े फ्लावर पॉट के टुकड़े समेटने के लिए मैंने उसे ही कहा था। अब जब स्वरूप ने मुझे यहाँ कमरे में बंद कर दिया था तो मेरे लिए उम्मीद की किरण सिर्फ भोला ही था, क्योंकि वो मुझे अपनी बड़ी बहन समान मानता था। लेकिन मेरे पति ने उसे भी सख्ती से समझाया था कि वो मुझसे कोई बात ना करे। अगले दिन स्वरूप जब घर से ऑफिस के लिए निकल गए तो उनके कहने के अनुसार भोला ने मुझे खाना दिया और मैं अपने ही घर में कैद होकर रह गई थी। मैंने भोला के आगे हाथ जोड़कर मदद मांगी तो उसका दिल मेरे लिए पिघल गया और कहने लगा, दीदी आप फिक्र मत करो, आपने मुझे अपना भाई माना है तो अब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अब कोई आपको छू भी नहीं सकता। आज यहाँ जो भी हुआ बहुत ही घटिया हुआ है। हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और अगर कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की सोच भी ले तो उसकी नस्ल भी खत्म कर दी जाती है। भोला की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मेरी मदद जरूर करेगा और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। थोड़ी देर के बाद भोला मेरे कमरे में वापस आया और मुझसे बोला, दीदी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो मैं सुबह ही बताना चाहता था, मगर घर के कामों में मुझे याद नहीं रहा। वो घटिया इंसान जो मेरा मालिक और आपका पति है, वो किसी से फोन पर बात करके कह रहा था कि कल आप हमारे घर आना और इस बार वो आपको जरूर खुश करेगी। भोला ने जब मुझे ये बात बताई तो मैं समझ गई कि अब मुझे मिस्टर शर्मा से कोई नहीं बचा सकता। इसी सोच में मेरी पूरी रात रोते रोते गुजर गई। पूरी रात रोते हुए मैं भगवान से यही प्रार्थना करती रही कि मेरी रक्षा करना प्रभु। अगले दिन जब भोला घर आया तब उसकी सांस फूली हुई थी और वह काफी जल्दी में लग रहा था। वो दरवाजा खोलकर सीधे मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला, दीदी आप अपना लाल जोड़ा मुझे दे दो। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन तुम्हें मेरे कपड़ों की क्या जरूरत आ पड़ी है? तो वो कहने लगा कि यह समय ज्यादा बातें करने का नहीं है, बस आप मुझे वो लाल जोड़ा दे दो। मैंने उसे वो लाल जोड़ा निकाल कर दे दिया और वो मेरे हाथ से लाल जोड़ा लेकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो जोड़ा पहनकर मेरे कमरे में दोबारा आया तो उसे देखकर मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि उसने बहुत ही अजीब तरीके से साड़ी बांध रखी थी। उसके जिद करने पर मैंने उसकी साड़ी ठीक से बांधी। अब वो पूरी तरह से एक औरत लग रहा था और उसने अपने सिर पर एक लंबे बालों की विग लगा रखी थी। मैंने उससे कहा, भोला ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा अब औरत बनने का इरादा है? मैं उस समय अपने सारे दुख भूल गई थी और भोला से हंसी मजाक करने लगी थी। उसने मुझसे कहा, दीदी आप यहाँ से जाइए और मेरे कमरे में जाकर बैठ जाइए। आज उसके साथ एक और लड़का आया था जो भोला का दोस्त था। थोड़ी देर बाद ही मुझे अपने घर में किसी के आने की आवाज आई और फिर वो कदमों की आवाज मेरे कमरे की तरफ से आ रही थी। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था कि अचानक कुछ देर बाद ही मेरे कमरे से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। घर में शोर मच गया था तो मैं कमरे से बाहर निकली, और जब मैं अपने कमरे के पास पहुंची और मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां का मंजर ही कुछ अलग था।
मिस्टर शर्मा के कपड़े फटे हुए थे। भोला और उसका दोस्त मिस्टर शर्मा को पीट रहे थे। मिस्टर शर्मा की हालत तो खराब ही हो गई थी। मैंने भोला को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस पर तो जैसे मिस्टर शर्मा को खत्म करने का भूत सवार था। आखिर मेरे कहने पर भोला ने मिस्टर शर्मा को छोड़ दिया और एक तरफ बैठ गया। मैं उसका मुंह देखने लगी और दिल ही दिल में हैरानी भी हो रही थी कि भोला, जो कल तक अनजान था और आज मेरा मुंह बोला भाई है, उसने आज अपने भाई होने का फर्ज निभाया। और एक मेरा पति है जो प्यार का दिखावा करके सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहता था। मेरा यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए मिस्टर शर्मा को कमरे में बंद करके भोला मुझे गाड़ी में बैठाकर मेरे घर छोड़ आया और खुद न जाने कहाँ चला गया। मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो वो उसी समय मुझे दूसरे शहर लेकर चले गए। उन्हें डर था कि स्वरूप ने भले ही मुझे डिवोर्स दे दिया था, लेकिन वो अपना बदला लेना नहीं भूलेगा, क्योंकि स्वरूप की जान पहचान बहुत दूर तक थी। वो मेरी खूबसूरती का फायदा उठाकर अपने ऑफिसर्स को खुश करके प्रमोशन लेना चाहता था। वो कभी भी मुझसे अपना बदला ले सकता था। कुछ दिनों बाद ही मेरे पापा ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करा दी। अब मैं अपने नए घर में अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरा घर छोटा सा था और मेरे पति एक छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन वो मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अब मेरे घर में खुशियां ही खुशियां थी। कुछ समय में ही भगवान ने मुझे बच्चे की खुशी भी दे दी थी। मेरे और स्वरूप के तलाक के बाद स्वरूप के बॉस ने उस पर फ्रॉड का केस करके उसे जेल भिजवा दिया था और धोखे से उसकी पूरी जायदाद भी हड़प ली थी। मैं बस इतना ही कहूँगी कि भगवान दुश्मन को भी ऐसा पति कभी ना दे जो अपनी पत्नी की इज्जत नीलाम करना चाहता हो और अपनी पत्नी का इस्तेमाल कर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता हो। ऐसा करने वाले को भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा और उसे उसके कर्मों का फल यही भुगतना पड़ेगा, जैसे आज स्वरूप भुगत रहा है जेल की सलाखों के पीछे। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।